तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तेरा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ है उस घर से। बेटा सच बोलने का भी समय आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुझे अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा उस घर के साथ, यश जी के साथ, उनकी बच्चियों के साथ। सुन रही है ना मेरी बच्ची? हाँ माँ, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ठीक है, अब जो भी फैसला लेना मेरी बातों को मद्देनजर रखते हुए लेना बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, देखना देखना सब ठीक होगा। इसे होने का इशारा समझ और ले अपना फैसला। लेकिन बेटा अपने चारों तरफ नजर घुमा के, ठीक है? जी माँ। फैसला करने का समय आ गया है। इतना मुश्किल फैसला आपने कितना आसान कर दिया मेरे लिए। मेरे मन से सारा बोझ उतर गया है। अब यश जी और मेरे रिश्ते के बीच कोई झूठ नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मेरा कोई अतीत नहीं, यश जी ही मेरे वर्तमान है और वही मेरे भविष्य भी। आज सही अर्थों में मैं मिसेज यश सिंधिया बनी हूँ। इस घर की बहू, इन बच्चों की माँ बनी हूँ। अब अपने पति, अपने बच्चों और अपने परिवार को खुशियाँ देना ही मेरे जीवन का मकसद है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, और वक्त का तकाजा भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूँ। राय ने दी है मुझे नई राह और मुझे मिला है हौसला बदलाव की तरफ कदम बढ़ाने का। मैं करूंगी अब अपनी जिंदगी का फैसला। पुनर्विवाह।